नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को निर्णायक वनडे मैच में जीत दिलाने में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का बड़ा योगदान रहा। जिस वक्त टीम को उनकी बल्लेबाजी की जरूरत थी, तब जडेजा ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाकर पहले कोहली के साथ और फिर शार्दुल के साथ मैच जिताओ साझेदारी की, जिसके बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में हराया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब जडेजा पवेलियन लौटे तो मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनसे बातचीत की। इस दौरान हर्षा भोगले ने जडेजा से सवाल तो हिंदी में पूछा, लेकिन जडेजा ने उसका जवाब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर दिया। अब फैंस को तो मसाला मिल गया, बस ये बात भारतीय क्रिकेट फैंस ने पकड़ ली और वो हर्षा भोगले को ट्रोल करने लगे, जिसके बाद हर्षा भोगले को खुद सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ी। भोगले ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ी से उसी भाषा में सवाल पूछते हैं जिसमें वो सहज हो। भोगले ने लिखा, मुझे इस पर हजारों प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। आप मैच के बाद खिलाड़ी से उसी भाषा में सवाल पूछते हो जिसमें वो सहज होता है। मैं जडेजा को पिछले 10 सालों से जानता हूं, इसलिए मैंने उनकी भाषा में सवाल पूछने की शुरुआत की। जैसे ही उन्होंने इशारा कर बताया कि वो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, तो मैंने अंग्रेजी में ही सवाल पूछा। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा पहले अंग्रेजी में बात करते हुए उतने सहज नहीं होते थे, बल्कि साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया था कि कोई पत्रकार तो हिंदी में सवाल पूछ लो। लेकिन अब जडेजा ने अपने खेल के साथ साथ अपनी अंग्रेजी में सुधार किया है। अब जडेजा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं तो खेल में भी गेंद और बल्ले से कमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले जडेजा वनडे और T20 टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन इसके बाद जब उन्हें टीम में जगह मिली तो जडेजा ने किसी को निराश नहीं किया। अब जडेजा वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जडेजा के खेल में सुधार से कप्तान कोहली, BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली सभी खुश हैं। उम्मीद करेंगे कि जडेजा इसी तरह का प्रदर्शन करते रहे और टीम की जीत में अपनी अहम भूमिका निभाते रहें।